अध्याय सात भक्ति के पद कविता अध्ययन से पूर्व उपरोक्त चित्र में दिए गए ग्रंथों के बारे में पता कीजिए कि ये किस धर्म से संबंध रखती हैं एवं इन कृतियों को किसके द्वारा रचा गया है। कविता का मूल तत्व वेद शास्त्रों के अध्ययन में जीवन का मूल भाव छिपा होता है जो मानव को अत्यधिक जीवन की ओर मार्गदर्शित करता है। कवि परिचय जन्म सन 1532 मृत्यु सन 1623 पिता आत्माराम माता हुलसी देवी पहला तुलसीदास के दोहे। तुलसीदास जी का बचपन बड़ी कठिनाइयों में बीता। वे घर घर भटकते रहे। बाद में वे बैरागी बने। वे राम के अनन्य भक्त थे। शास्त्रों का वेद वेदांतों का उन्होंने अध्ययन किया। उनके द्वारा रचित रामचरितमानस नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ। उत्तर भारत के घर घर में तुलसी रामायण रामचरितमानस अब भी बड़े चाव से पढ़ा जाता है। तुलसी संत सुअप तरु फुली फलही परहेत इतते वे पहन हनत उतते वे फल देत गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृत सत्य व्रत राम भरोसे एक बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होए आगे बुझे ज्यो राग की आप छुपे सब खोए सूर समर करने करही कहीं न जना वही आपू विद्या मान रन पाई रिपु कायर कति ही प्रतापू दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। कवि परिचय जन सन 1398 मृत्यु सन 1518 पिता नीरू माता नीमा दो कबीरदास के दोहे रचनाएं साखी पदावली रमैनी बीजक आदि उन्होंने अपने दोहों में अधिक उपदेशात्मक शैली अपनाई। बहादंबर के वे कच्चर विरोधी थे। भगवत प्रेम की परिकाष्ठा सबसे अधिक दिखाई दी है। कबीर के काव्य में हृदय पक्ष ज्यादा है। भाव रस प्रेम और भक्ति की दृष्टि से उनके पद अनुपम हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए बुरा जो देखन मैं चला बुला ना मिलिया कोए जो दिल खोजो अपना मुझसा बुरा ना कोए तीन लोक नो खंड में गुरु ते बड़ा ना कोए करता करा ना करी सके गुरु करे सो होए मथुरा जावे द्वारिका भावे जो जगन्नाथ सात संगति हरि भजन बिनु कछुए ना आवे हाथ धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सीचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मीरा बाई परिचय जन सन 1498 मृत्यु सन 1547 पिता राजा रत्न सिंह माता वीर कुमारी तीन मीराबाई परिचय ये कृष्ण भक्ति मीरा पदावली में इनके पद संकलित हैं। इनके पद अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनको पद राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। वे राव दादू जी की पोत्री थी। उदयपुर के राजघराने में उनका विवाह हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो गई। जौहर की गत जौहरी जाने क्या जाने ओ जन खोए मीरा रे प्रभु पीर मिटांगा जो वेद संवारे होए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो जन जन की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो खर्चे ना खूटे चोर ने लूटो दिन दिन बढ़त सवायो सत की नाव खवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरस हरस सज गायो जब दार तू आप तरु आम का पेड़ परहेत अर्थात दूसरों के लिए सुकृत अर्थात पुण्य काके अर्थात किसके करता अर्थात ईश्वर आवे हाथ अर्थात हाथ आएगा जौहर अर्थात गहना
सूल अर्थात शूल, सावेर लागी अर्थात सोने लगी, उच्चारण करें सुकृत, गोधन द्वारिका, हरि भजन भेज्या पीवन, अध्यापन संकेत शिक्षक शिक्षिका बच्चों को उपयुक्त धोए के भावार्थ को बताएं तथा उनसे निकलने वाले निष्कर्ष को भी समझाएं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए, प्रश्न एक, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का, संतोष पाने के लिए तुलसीदास जी के मत में क्या उपाय है? उत्तर, संतोष धन पाने के लिए तुलसीदास जी ने बताया कि दुनिया के सब प्रकार के धन से ऊपर संतोष धन है, क्योंकि जब यह धन आ जाता है तो बाकी सभी धन तुच्छ समान हो जाते हैं। ख, संत को तुलसीदास जी ने किसके समान बताया है? उत्तर, संत को तुलसीदास जी ने वृक्ष के समान बताया है। ग, कबीरदास के मतानुसार बुराई किसके अंदर छुपी हुई है? उत्तर, कबीरदास के मत अनुसार बुराई हमारे स्वयं में ही छिपी है। ग, तीनों लोकों में सबसे बढ़कर कौन है? उत्तर, तीनों लोकों में सबसे बढ़कर गुरु है। ड, श्याम की भक्ति में कौन लीन हो गई थी? उत्तर, श्याम की भक्ति में मीराबाई लीन हो गई थी। जरा लिखिए, प्रश्न दो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, आम का पेड़ किसके लिए फूलता है? उत्तर, आम का पेड़ दूसरों के लिए फूलता है। ख, प्रस्तुत पाठ में विपत्ति का साथी किसे बताया गया है? उत्तर, विद्या विनय विवेक और साहस को विपत्ति का साथी बताया गया है। ग, संतोष रूपी धन के आगे कौन कौन से धन धूल के समान है? उत्तर, संतोष रूपी धन के आगे गौ धन गज धन रत्न धन धूल के समान है। घ, कबीरदास के मत में हरि भजन का महात्म्य कैसा है? उत्तर, कबीरदास जी ने महात्म्य में हरि भजन द्वारका जगन्नाथ और मथुरा से भी ऊपर है। ड, किसकी संगति के बिना जगन्नाथ का सौभाग्य नहीं मिलेगा? उत्तर, हरि भजन की संगति के बिना जगन्नाथ का सौभाग्य नहीं मिलेगा। प्रश्न तीन, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, तुलसी संत सुअप तरु पुली फली डैश। उत्तर, परहेत। ख, गोधन गजनन बाजी धन और डैश धन खान। उत्तर, रत्न। ग, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय डैश। उत्तर, विवेक। घ, डैश गुरु आपन गोविंद दियो बताए। उत्तर, बलिहारी। ड, तीन लोक नो खंड में डैश ते बड़ा न कोए। उत्तर, गुरु। ज, साथी संगति डैश बिनु कुछु न आवे हाथ। उत्तर, हरि भजन। प्रश्न चार, दिए गए शब्दों को उचित रूप से मिलान कीजिए। क, तुलसी दास। उत्तर, आत्मराम। ख, कबीर दास। उत्तर, सन 1398। ग, मीरा बाई। उत्तर, 1547। घ, रत्न सिंह। उत्तर, राजा। ड, नीरू। उत्तर, कबीरदास के पिता। प्रश्न पाँच, दिए गए वाक्यों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। क, विपत्ति के साथी के रूप में सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है? विनय सुकृत राम पर भरोसा इनमें से कोई नहीं। उत्तर, विनय। ख, कबीर के अनुसार किसको बुरा कहा है? दूसरों को, स्वयं को, बड़े लोगों को, छोटे लोगों को। उत्तर, स्वयं को। ग, तीनों लोगों से बढ़कर कबीरदास ने किसे बताया है? पिता को, माता को, गुरु को, दादाजी को। उत्तर, गुरु को। घ, मीरा के लिए वैद्य कौन है? कृष्ण जी, राणा जी, मंत्री जी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, कृष्ण जी। ड, मीरा ने कौन सा रत्न धन पाया? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, गुरु भक्ति, पति भक्ति। उत्तर, कृष्ण भक्ति। प्रश्न छः, दिए गए दोहों का भावार्थ लिखिए। क, गोधन गजनन बाजी धन और रत्न धन खान, जब आवत संतोष धन तब धन धुरी समान। घ, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपना मुस्सा बुरा ना कोई। ग,
पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। जरा सोचिए, प्रश्न सात। प्रस्तुत पाठ में विभिन्न कवियों ने अपने अपने भावों को व्यक्त किया है। इन कवियों के विचारों में आपको क्या समानता देखने को मिलती है, तो समझकर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न आठ। दिए गए शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। क जौहर, उत्तर गहना। ख हर्ष, उत्तर खुशी। ग जौहरी, उत्तर गहनों का व्यापारी। घ वैद, उत्तर उपचारक। ल देखन, उत्तर देखना। च आपना, उत्तर अपना। छ कोए, उत्तर कोई। ज करे, उत्तर करना। प्रश्न नौ। दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। क निद्रा, उत्तर नींद। ख दंत, उत्तर दांत। ग नृत्य, उत्तर नाच। घ कोकिल, उत्तर कोयल। ण कुंभकार, उत्तर कुम्हार। च ज्येष्ठ, उत्तर बड़ा। छ भ्रमर, उत्तर भंवरा। ज आम्र, उत्तर आम। प्रश्न दस। दिए गए मुहावरों के उदाहरण स्वरूप अर्थ लिखिए। क आँख खुलना, उत्तर सोहन को जब मोहन से धोखा मिला तो जब जाकर सोहन की आंखें खुली। ख कान भरना, उत्तर मुंशी ने कारखाने के कर्मचारियों के कान सेठ के खिलाफ भर दिए। ग 19-20 का अंतर, उत्तर वह क्या बात है, दोनों भाइयों को देखने में बस 19-20 का अंतर लगता है। ख भांजा फोड़ होना, उत्तर समिति के सदस्यों ने मुखियों का भांजा फोड़ कर दिया। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 11। मीराबाई ने अपने संपूर्ण जीवन में विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया, उनका जीवन परिचय अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 12। दी गई रचनाओं के रचयिताओं के नाम को ढूंढकर एक स्थानों में लिखिए। रचयिता रचनाएं। हितोपदेश, उत्तर विष्णु शर्मा। साहित्य लहरी, उत्तर सूरदास। कवि तावली, उत्तर गोस्वामी तुलसीदास। गीत गोविंद, जयदेव। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। श्रृंगार सत्सेई, महाकवि भृतहरि। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, प्रश्न 13। प्रस्तुत पाठ में विभिन्न संतों के द्वारा भक्ति के दोहों को बताया गया है, जिन्होंने प्रभु भक्ति को ही अपना जीवन का मूल्य बना लिया था, जिसमें मूर्ति पूजा न करके अंतर मन में ईश्वर की खोज कर उन्हें पाया। आप अपने जीवन में किस प्रकार की ईश्वरीय भक्ति को पाना चाहेंगे?